नमस्कार दोस्तों हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया वीकली मॉक क्वेश्चन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन सा है चेक कर लेते हैं आगे जाने से पहले पर लाइक बटन चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू क्वेश्चन नंबर वन रिसेंटली द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा सेट ए गिनस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द दाइस्ट नंबर ऑफ फोटोज ऑफ हैंड रिटन नोट्स अपलोडेड ऑन फेसबुक इन एन आवर विच ऑफ दी फॉलोइंग द मेन पिलर्स ऑफ द नमामी गंगे प्रोग्राम वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए ऑप्शन ई वन टू थ्री फोर एंड फाइव देखिये नमामी गंगे प्रोग्राम फिर से न्यूज में आया है वैसे थोड़ा सा पुराना प्रोग्राम है जिसे हम नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा भी बोलते हैं ये गिन्नरस वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहुंच गया है क्योंकि हाइएस्ट नंबर ऑफ फोटोज ऑफ हैंड रिटन नोट्स अपलोड हुआ फेसबुक में इना नावर वो भी नमामी गंगे प्रोग्राम से रिगार्डिंग तो बेसिकली क्वेश्चन ये है नमामि गंगे प्रोग्राम का मेजर पिल्लेर्स कौन कौन सा है पांच के पांच दो पिल्ले हैं सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर ओबीसी बात है दोस्तों जब एक रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम चलाता है तो सीवरेज ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है उसे और स्ट्रेंथन करने की डेवलप करने की ज़रूरत है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट गंगा रिवर के जो फ्रंट एरिया है जो बैंक एरिया है उन्हें डेवलप करने का प्रोग्राम है फॉरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगवाना है फिर पब्लिक अवेयरनेस करना है कि रिवर को पोल्यूट नहीं करना है करके ज़्यादा वेस्ट वगैरह रिवर में नहीं डालना है गंगा ग्राम गंगा ग्राम बेसिकली दोस्तों एक सैनिटेशन फैसिलिटी है मतलब गंगा रिवर जितने स्टेट्स में से गुजरती है उसमें से काफ़ी सारे विलेजेस को सेलेक्ट किया है उधर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ या टॉयलेट्स बिल्ड करेगा तो यह है गंगा ग्राम बेसिकली ठीक है मतलब ग्राम सेलेक्ट किया है काफ़ी सारे विलेजेस है हज़ार से ज़्यादा विलेजेस है जो सेलेक्ट किया है गंगा जिस जिस स्टेट से गुजरती है ठीक है तो यह है गंगा ग्राम तो ये पाँच के पाँच जो है नमामि गंगे प्रोग्राम का मेन पिलर्स है और डिटेल्स में इधर प्रोवाइड किया हूं जब मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा आप पढ़ सकते हो अगला क्वेश्चन है नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया विच वॉज रिसेंटली न्यूज इज पब्लिश बाय। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आंसर ऑप्शन ए इंडियन फार्मासोपिया कमीशन देखिए इंडियन फार्मासोपिया कमीशन न्यूज़ में आया था बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है ये बेसिकली एक फॉर्मुलरी है बेसिकली एक ऑफिशियल लिस्ट है इंडिया में जितने मेडिसिन वगैरह यूज में हैं देखिए इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर क्लिनिशियंस एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वाइल प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन टू द पेशेंट्स हमारे देश में जो डॉक्टर्स है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो जब पेशेंट्स के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उनके लिए एक रिपोर्टिट्री है बेसिकली एक ऑफिशियल लिस्ट बन जाएगा

तो ये बेसिकली आप इतना ही समझ लीजिए ये नेशनल फॉर्मुले ऑफ इंडिया बेसिकली एक ऑफिशियल लिस्ट है मेडिसिन का जिसमें स्टैंडर्ड्स वगैरह मेंशन किया हुआ है एंड काफ़ी सारे डिटेल्स है इसमें तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए क्लिनिशियंस के लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा एंड ये नेशनल फॉर्मुले ऑफ इंडिया कौन पब्लिश किया है इंडियन फार्मासोपिया कमीशन एंड दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इतना आप ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट के बारे में क्वेश्चन है, वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताने गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन देखिए वेरी करेक्ट स्टेटमेंट है बेसिकली आपको पता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर क्या करता है इसके नाम, में, नाम में ही इसका आंसर है कि कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका काम है आपको आई यू सी एन का रिटिव के बारे में पता होगा जिसमें काफी सारे थर्ट स्पीशीज का डिटेल्स रहता है वो कई कई कैटेगरी में डाल देते हैं एक एक प्लांट को या एनिमल को जैसे एंडेंजर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड थर्ट एक्सटिंग नियर टू एक्सटिंग इस तरह की क्लासिफिकेशन से तो बेसिकली ये जो यूनियन है इंटरनेशनल यूनियन है इसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी है ये आप ध्यान दीजिएगा केवल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है सिविल ऑर्गेनाइजेशंस भी है सेकेंड क्या है इट एम्स टू एनश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स डज नॉट थर्टन देस अवेबल देखिए दोस्तों ये आई का काम नहीं है जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वाइल्ड एनिमल्स का कहीं कभी इलीगल ट्रेड भी होता है इन्हें कंट्रोल करने के लिए और एक ऑर्गेनाइजेशन है वो है साइट्स साइट इन जुलाई नाइनटीन इट एम्स टू एनश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लान्स डस नॉट वैसे साइट्स का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा इसके बारे में काफ़ी बार हमने डिस्कस किया है इसलिए मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूं वैसे आई के बारे में बेसिक डिटेल्स आपको जानना ही जानना है ठीक है काफ़ी बार काफ़ी एग्जामिनेशन में आई के बारे में पूछा है एंड इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग समुद्रयान मिशन विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन इज और आर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए द आंसर इज ऑप्शन सी बोथ एंड देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है सबसे पहली बात इट इज इंडिया मैंड ओशन मिशन एक मैंड मिशन होगा जिसमें लोगों को भेज दिया जाएगा डीप सी में वो भी एक सबमर्सिबल व्हीकल में फॉर डीप ओशन एक्सप्लोरेशन देखिए डीप सी में एक्सप्लोर करने के लिए माइनिंग एंड रेयर मिनरल्स अवेलेबल है कि नहीं ये सब देखने के लिए एक यूनिक मैंट मिशन भेज दिया जाएगा वो है समुद्रयान मिशन एंड इट इज अ पार्ट ऑफ डीप ओशन मिशन देखिए हमारा एक डीप ओशन मिशन है बेसिकली डीप सी में एक्सप्लोरेशन वगैरह करने के लिए एक डीप ओशन मिशन है गवर्नमेंट के द्वारा उसी का एक पार्ट है ये जो समुद्रयान मिशन है काफी सारे कंट्रीज इस तरह की डीप सी मिशन वगैरह करते हैं तो इंडिया भी अभी करने वाला है सो आंसर इज ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू डिटेल लिखा है आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन नंबर फाइव विथ रेफरेंस टू सर्कुलर इकोनॉमी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए नो द आंसर इज ऑप्शन सी अगेन बोथ वन एंड टू देखिए, सर्कुलर इकोनॉमी नाम से ही पता चल जाएगा आपको क्या है ये। बेसिकली चीजों को री यूज़ करना रिपेयर करना रिफर्बिश करना रीसाइकिलिंग करना ये सब सर्कुलर इकोनॉमी का प्रिंसिपल्स है बेसिकली कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक स्मार्टफोन खराब हो जाता है मान लीजिए डिस्प्ले ख़राब हो गया तो आप क्या करोगे थोड़े दिन के लिए अपने घर पर कोई रूम में रहेगा इसके बाद आप फेंक देगा कहीं नहीं तो वेस्ट में डाल देगा तो ये एक वेस्ट बन गया ई वेस्ट बन गया पर हमारे ये स्मार्टफोन में काफ़ी सारे और भी कंपोनेंट्स होगा वो यूजफुल हो सकता है ठीक है कि नहीं जो खराब नहीं होगा केवल डिस्प्ले खराब हो गया होगा या फिर और कोई कंपोनेंट खराब हो होगा तो इस तरह की चीज़ों को री करना या फिर रीफब्लिश करना ये सब सर्कुलर इकोनॉमी का प्रिंसिपल है मैंने केवल स्मार्टफोन का एग्जाम्पल दिया इसमें जितने भी कंपोनेंट्स आता है चाहे वो इलेक्ट्रिकल लो मैकेनिकल लो इसको री यूज रिसाइकिल सब करना सर्कुलर इकोनॉमी का काम है या सिग्निफिकेंस है तो इट एम्स टू टैकल ग्लोबल चैलेंजेस ऑफ सचास वेस्ट पोलूशन क्लाइमेट चेंज बायोडाइवर्सिटी लॉस एक्सेट्रा एक्सेटा देखिए आप चीज़ों का अगर रिसाइकल करोगे मतलब देखिए अगर आप एक चीज़ को यूज़ करने के बाद फेंक दोगे तो वो पूरा कंपोनेंट्स पूरे मिनरल्स जितना यूज हुआ था वो चीज़ बनाने के लिए वो सब उधरी वेस्ट हो गया ना खत्म हो गया पर अगर आप री करोगे आप वेस्ट को कंट्रोल कर पाओगे उसके वजह से जो पोल्यूशन होता है वो कंट्रोल कर पाओगे क्लाइमेट चेंज तो इंडायरेक्टली आप ऑब्वियसली कंट्रोल कर पाओगे एंड जो बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है वो भी सारे लिंक्ड है आपस में तो दूसरा स्टेटमेंट तो आप इजिली कर सकते हो क्योंकि इसी का एक पार्ट है सो आंसर इज ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू अगला क्वेश्चन रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनोग्रेटेड श्री आदि शंकराचार्य समाधि इन केदारनाथ ये न्यूज तो आपने सुना ही होगा तो बेसिकली आदि शंकराचार्य जी के बारे में तीन स्टेटमेंट्स लिखा है अब आंसर बताइए नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी वन टू एंड थ्री तीनों स्टेटमेंट्स आइए देखिए आदि शंकराचार्य इनका जन्म हुआ था केरला में कालडी विलेज कालडी विलेज एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में आता है कालडी विलेज की स्पेशलिटी है इट इज इन द बैंक ऑफ पेरियार पेरियार केरला का लॉन्गेस्ट रिवर है वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों आपने मुल्ला पेरियार डैम वगैरह सुना होगा तो ये पेरियार रिवर जो है इसके बारे में डिटेल्स आप जान के रखिए और भी कुछ डिटेल्स अगर आपको मालूम है या फिर आप थोड़ा सा गूगल सर्च वगैरह कीजिए पेरियार रिवर के बारे में सब कुछ जान के रखिए क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन आने वाला है आने वाले एग्जाम्स में क्योंकि पेरियार रिवर काफी न्यूज में आया है ठीक है एंड ये जो पेरियार रिवर के बैंक में है बेसिकली कालिडी विलेज जो एर्नाकुल डिस्ट्रिक्ट में है केरला में आदि शंकराचार्य जी का जन्म उधर ही हुआ था ही वॉज एन इंडियन फिलोसफर ओपीसी बात है, है तो आपको मालूम ही है एंड ए थियोलॉजियन वक्स ए स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन डॉक्टर ऑफ अद्वैत वेतानता अद्वैत वेतानता डॉक्टरिन में इनका इंपैक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है एंड इनके पॉपुलर वर्क्स कौन कौन सा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मोदी जी अभी केदारनाथ गया है एक इनका एक स्टैच्यू अनविल किया तो अब ये इंपॉर्टेंट हो गया इनके बारे में पूरे डिटेल्स जानकर रखना जरूरी है ठीक है विवेका चूडामणि सौंदर्य लहरी भज गोविंदम शिवानंद लहरी ये सब इनके पॉपुलर वर्क्स है ध्यान रखिएगा पूरे डिटेल्स में इधर लिखा हूँ पढ़ लीजिएगा इनका जन्म कब हुआ था सेवन एटी में ठीक है एक शिवा डिवोटी थे ये क्वेश्चन नंबर सेवन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट फिफ्टीन बी विच आर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए द आंसर इज ऑप्शन ए वन एंड टू ऑनली देखिए प्रोजेक्ट 15 भी आप इंडियन नेवी से रिलेट कर सकते हो बेसिकली दोस्तों इसमें शिप्स बना दिया जाएगा एंड ये स्पेशलिटी है इट है इंडिजीनियसली बाय इंडियन नेवीज डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन ये शिप्स का डिज़ाइन इंडिजीनियसली किया है हमारे देश के अंदर ही हुआ है इंडियन नेवी का एक डायरेक्टरेट ऑफ तो नेवल डिजाइन है उन्होंने ही किया है ठीक है तो पहला स्टेटमेंट क्या है शिप्स अंडर दिस प्रोजेक्टर आर विद ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एंड लॉन्ग रेंज रेंग एयर मिसाइल्स दिस इज वेरी करेक्ट दोस्तों ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के बारे में आपको मालूम ही है इंडिया एंड रशिया के कोलाब्रेशन से बनाया था एंड एस एम सफर्स टू एयर मिसाइल्स भी होगा जो शिप्स प्रोजेक्ट फिफ्टीन बी के अंदर बनाएगा तीसरा क्या है प्रोजेक्ट फीचर्स ओवरऑल इंडिजिनियस कंटेंट ऑफ हंड्रेड परसेंट देखिए वैसे इंडियन नेवी का डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने डिजाइन किया है पर इसमें जो कंपोनेंट्स यूज होगा ना शिप्स में ये हंड्रेड परसेंट इंडिजिनियस नहीं होगा इसमें सेवेंटी फाइव परसेंट इंडिजिनियस कंटेंट यूज किया जाएगा बाकी जो है बाहर से आप दूसरे स्टेट से भी दूसरे कंट्री से भी खरीद रहे हो ठीक है तो ये ध्यान दीजिएगा ओनली सेवेंटी फाइव परसेंट इसमें इंडिजिनियस कंटेंट जो है आप देखिए ये जो प्रोजेक्ट फिफ्टीन बी में सबसे पहला शिप कौन सा कमीशन होने वाला है आई एन एस विशाखपट्टे भी आप ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन है ऑफ ऑफ फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन कटिंग डाउन मिशन एमिशन वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आई होप आपने आंसर किया होगा ना आंसर इज ऑप्शन ई वन टू थ्री एंड फोर देखिए रिसेंटली सीओपी ट्वेंटी सिक्स हुआ था इसमें ग्लोबल मीथेन प्लज वगैरह लिया गया था तो अब ये एक इंटरनेशनल मीथेन ऑब्जर्वेटरी भी बना रहा है मतलब मीथेन एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए मॉनिटर करने के लिए आपको एक चीज़ पता होगा मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है एंड कार्बन डाइऑक्साइड से 80 टाइम्स खतरनाक है मीथेन जो है ठीक है 80 टाइम्स पर मीथेन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ा कम है आकर कार्बन डाइऑक्साइड से आप रिलेट करोगे और मीथेन जो है एटमोस्फियर में उतने देर तक रहते नहीं है ठीक है तो ये सब डिटेल्स हमने पहले भी डिस्कस किया है वैसे काफ़ी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो मीथेन एमिशंस के ऊपर या मीथेन इमिशंस को कट डाउन करने के ऊपर काम करते हैं वो कौन कौन सा है ये ध्यान दीजिएगा दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्ड क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉल्यूशन ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एमयेंटल डिफेंस फंड ये चारों ऑर्गेनाइजेशन कटिंग डाउन ऑफ मीथेन एमिशंस के ऊपर काम करते हैं ध्यान दीजिएगा और कुछ डिटेल्स इधर लिखा है मीथेन के बारे में देखिए वैसे दोस्तों इंपॉर्टेंट न्यूज ये आया था यूनाइटेड नेशंस एनवायमेंट प्रोग्राम हाज लॉन्च्ड इंटरनेशनल मीथेन निमिशन ऑब्जर्वेटरी एट द जी ट्वेंटी समिट कॉप ट्वेंटी सिक्स से पहले एक जी ट्वेंटी समिट हुआ था उधर ही एक इंटरनेशनल मीथेन निमिशंस ऑब्जर्वेटरी सेटअप किया था यह प्रोग्राम यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम से द्वारा है ये भी आप ध्यान दीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं मतलब आई एम ई ओ किसके द्वारा लॉन्च किया गया यू के द्वारा आप देखिए मीथेन के बारे में इसका जो केमिकल फॉर्मूला सी है And a powerful greenhouse gas है, flammable है, and is used as fuel as well, well. Methane को ऐसे fuel भी use kiya jata hai agla question hai Consider the following statements with respect to Tigray region recently seen in news। Video post कीजिए और answer बताएं। कौन-कौन सा statement सही है? ये आपको बताना है। मैं इधर लिखा नहीं हूँ। Which are correct? I hope आपने answer किया होगा। Now the answer is option C, T2 only. देखिए टिग्रे एथियोपियन क्राइसिस के बारे में काफ़ी बार हमने कवर किया डेली न्यूज़ में हर दिन इसके बारे में न्यूज़ आता है और हशिस सा ने और मैं भी कवर किया हूँ टिग्रे क्राइसिस के बारे में वैसे थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आपको मालूम होगा ये मैं मान के चल रहा हूँ वैसे आप टिग्रे क्राइसिस करके हर्ीद द्विवेदी नाम के साथ एथियोपियन टिग्रे क्राइसिस करके सर्च कीजिए यूट्यूब में आपको हमारा एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें पूरे बैकग्राउंड के साथ डिटेलली एक्सप्लेन किया है आपको वो देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में ये जो एथियोपियन टिग्रे क्राइसिस जो है वेरी इंपॉर्टेंट है अब ये स्टेटमेंट्स देखिए टिगरे इज लोकेटेड इन एथियोपिया साउथ ईस्टर्न रीजन मेकिंग बॉर्डर्स विद केनिया बिल्कुल गलत दोस्तों ये ये देखिए अब मैप मैप का है वैसे कौन कौन सा स्टेट कंट्री से अपना बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ साइड में एरिट्रिया सूडान साउथ सूडान केनिया एंड सोमालिया ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है आपको पता ही होगा अब देखिए दोस्तों टिग्रे रीजन इधर आता है बेसिकली एरिट्रिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है ठीक है तो ये स्टेटमेंट गलत है फिर टिग्रे रीजियन का इंपॉर्टेंट ट्राइब से या सॉरी एथनिक पॉपुलेशन से वो है ओरोमोस एंड अमहारास बीइंग द लार्जेस्ट एथनिक पॉपुलेशन तो ओरोमोस नाम एंड अमहारास नाम आप ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ओरोमोस एंड अमहारस आर रिलेटेड टू या फिर ऐसे क्वेश्चन आएगा ओरोमोस अमहारास रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू ऑफ़ दी फॉलोइंग ऑप्शन तो आप बता दीजिएगा टिग्रे या फिर एथियोपिया ठीक है तो ये स्टेटमेंट सही है फिर टिग्रे इज पर्सली अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ एरिट्रिया इन नेबरिंग कंट्री ऑफ एथियो गलत है दोस्तों का कंट्रोल में नहीं है बेसिकली टिगरे में जितने लोग हैं वो एक्चुअली इनके पास बहुत पावर था ये यह एडीजा प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले पूरे एथियोपिया में जो पोलिटिकल सीन था उसमें टिग्रे में एक पार्टी था उनका बहुत कंट्रोल था जैसे ये प्राइम मिनिस्टर बना इनके कंट्रोल धीरे धीरे कम हो गया पर अब ये चाहता है कि फिर से वो पहले जो पावर था वो रिट्रीव करने के लिए इसलिए ये जो टिगरे के लोग हैं इनकी जो पार्टी है ये इथियोपियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट कर रहा है वैसे डिटेल्स के लिए आप वीडियो देख लीजिए इसलिए इतना ब्रीफली बताने से आपको समझ में नहीं आएगा ये या समझ लीजिए अलग कंट्री है एरिटिया को अलग किया था क्योंकि ये अडिज़ आबा जब प्राइम मिनिस्टर बना था उन्होंने ही नेगोशिएशंस किया था इथियोपिया एरेटिया को अलग करने के लिए जिसके लिए उन्हें नोबल प्रा नोबल पीस प्राइज भी मिला था ठीक है मैं जल्दी जल्दी बोल के इसलिए जा रहा हूं दोस्तों ये सब के बारे में काफी बार हमने डिस्कस किया है ठीक है ये मैं मान के चल रहा आप हमारे डेली न्यूज फॉलो कर रहे हो तो आंसर विल बी ऑप्शन सी टू ओनली क्वेश्चन नंबर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेंगू फीवर विच आर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए द आंसर इज ऑप्शन सी वन एंड थ्री ओनली देखिए डेंगू फीवर के बारे में आपको मालूम ही होगा हमारे इंडिया में ये है अभी भी डेंगू फीवर रिपोर्ट होता है इट इज अ मॉस्किटो बोन ट्रॉपिकल डिजीज मेनली ये ट्रॉपिकल रीजन में दिखता है ठीक है ये मॉस्किटो बोर्न है एंड इट इज कॉज बाई वायरस जीनस फ्लैवी वायरस आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कौन से टाइप ऑफ मॉस्किटो डेंगू फीवर फैलाता है ठीक है एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है सेकंड स्टेटमेंट देखिए डायग्नोसिस ऑफ डेंगू इफेक्शन कैन ओनली बी डिटेक्टेड बाय मार्कर्स एंड एंटीजन सिक्रीशन इन द यूरिन ये गलत है दोस्तों एक्चुअली डेंगू इन्फेक्शन डिटेक्ट करने के लिए ब्लड टेस्ट होता है ठीक है एकदम नॉर्मल स्टेटमेंट है आप सबको मालूम होना चाहिए डेंगू अगर कोई किसी को डाउट हुआ डेंगू फीवर है करके तो फिर आपको ब्लड टेस्ट करवाना है ठीक है सबसे पहले फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड्स दैट द डेंगू वैक्सीन डेंग वैक्सिया कैन बी गिवन ओनली टू पीपल विद कन्फर्म प्रीवियस डेंगू वायरस इन्फेक्शन देखिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वैसे यूएस के द्वारा एक डेंगू वैक्सिया करके एक डेंगू वैक्सीन इनको थोड़ा भी मिल गया था आजकल कुछ कंट्रीज़ में यूज़ में भी है पर देखिए इंडिया में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता है वैसे डब्ल्यूएचओ ने ये रेकमेंड किया है ये जो वैक्सीन है डेंगू वैक्सिया ये वही लोगों को अप्लाई करना चाहिए या वही लोगों में इंजेक्ट करना चाहिए जिनको एक बार पहले डेंगू वायरस इन्फेक्शन हुआ है ठीक है इस तरह डब्ल्यू एच ओ की तरफ से एक रिकमेंडेशन आया था ये न्यूज़ में भी आया था ठीक है तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है सो आंसर इज ऑप्शन सी वन एंड थ्री ओनली डिटेल्स इधर लिखा है सो, दोस्तों वैसे डिटेल्स मैंने ये भी लिख दिया कि एडिज इज्जेप्टी के बारे में जो डेंगू फीवर फैलाते हैं कमेंट बॉक्स में अभी लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है बाकी डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा अगला क्वेश्चन देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज रिसेंटली न्यूज़ इज लोकेटेड इन वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए द आंसर इज ऑप्शन एडिशा देखिये देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये रीज़नली न्यूज़ में आया था क्योंकि ओडिशा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था टू रीलोकेट अराउंड फोर ट्वेंटी फैमिलीज फ्रॉम जीरो कनेक्टिविटी फोर जीरो कनेक्टिविटी विलेजेस इन देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी देवीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास जितने फैमिलीज रहते थे इनको रीलोकेट करने का एक फैसला लिया था ओडिशा गवर्नमेंट ने वैसे इसका जो लोकेशन कहाँ पर बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट डैम महानदी रिवर हिराकुड डैम कौन से रिवर में महानदी रिवर में एक वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है ओडिशा तो में क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स विच आर करेक्ट रिसेंटली नंबर वन काफी सारे स्टेट्स अपना फॉर्मेशन डे मनाया था तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं इसके बारे में आंसर बताने की कोशिश कीजिए नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी एंड देखिए क्या क्या लिखा है स्टेट ऑफ तमिलनाडु आफ्टर ए पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश कर्नाटका एंड केरला वेर सेपरेटेड फ्रॉम मद्रास प्रेसिडेंसी देखिए आपको पता है पहले मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करता था इंडिया में तीन प्रेसिडेंसी थे बॉम्बे बंगाल एंड मद्रास तो मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट था मैक्सिमम साउथ इंडिया जो है ठीक है तो इसमें से स्टेट ऑफ तमिलनाडु को कैसे फॉर्म किया था आंध्र प्रदेश प्रदेश का एक पार्ट कर्नाटक का एक पार्ट एंड केरला का एक पार्ट अलग किया फिर तमिलनाडु बन गया तो ये स्टेटमेंट सही है तेलंगाना रीजन पार्ट ऑफ देन हैदराबाद स्टेट वाज मर्ज विद आंध्र स्टेट टू फॉर्म ए कंप्लीट आंध्र प्रदेश ठीक है तो तेलंगाना रीजन उस टाइम का जो हैदराबाद स्टेट था हैदराबाद स्टेट का जो तेलंगाना रीजन को मर्ज किया गया था आंध्र प्रदेश के साथ और आंध्र प्रदेश बना था ये फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ फिर तेलंगाना अलग हो गया यह सब आपको मालूम है तो ये स्टेटमेंट भी सही है फिर स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वॉज फॉर्म बाई पार्टीशनिंग टेन छत्तीसगढ़ी एंड सिक्स गोंडी स्पीकिंग साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ मध्य प्रदेश ये तो आपको मालूम ही होगा दोस्तों मध्य प्रदेश में जो गोंडी स्पीकिंग एरियाज हैं इनको अलग किया था और छत्तीसगढ़ फॉर्म हुआ था तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है सही निकल के आता है पूरे डिटेल्स इधर लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा नवंबर वन है वैसे छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश तमिलनाडु जैसे स्टेट्स का फॉर्मेशन है वह भी काफी सारे स्टेट है हमने डेली न्यूज में वो कवर किया था जिसका नंबर वन फॉर्मेशन डे है अगला क्वेश्चन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू आईसीसी आईसी वर्ल्ड कप आर करेक्ट देखिए टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी के बारे में क्वेश्चन है वैसे न्यूज या फिर इस कॉन्टेक्ट में हमने एक अलग वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सेम क्वेश्चन पूछा था जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा हो उनके लिए एक क्वेश्चन है वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए नाउ द आंसर इज ऑप्शन C3 थ्री और देखिए दोस्तों क्या लिखा है इन ग्रुप स्टेजेस ए टीम विल गेट टू पॉइंट्स फॉर ए विन इतना तो सही है एंड जीरो पॉइंट इफ ए मैच इज अबैंडन यह गलत है दोस्तों अगर एक मैच अबैंडन हो जाता है रेन की वजह से या कोई और रीजन की वजह से तो दोनों टीम को एक एक पॉइंट मिल जाएगा ठीक है तो जीरो पॉइंट नहीं है यह गलत है फिर मिनिमम नंबर ऑफ ओवर्स नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट ए ग्रुप मैच इज एट लीस्ट टेन ओवर्स पर साइड यह भी दोस्तों गलत है देखिए यह कहना ये ग्रुप मैच की बात कर रहे हैं एक होते है ग्रुप मैच जो दो ग्रुप है इस बार एक ग्रुप में छह टीम्स है दूसरे ग्रुप में भी छह टीम्स है ये ग्रुप में से दो दो टीम सेलेक्ट किया जाएगा सेमीफाइनल्स के लिए फिर फाइनल खेल लिया जाएगा तो यह है नॉर्मल रूल आप देखिए ग्रुप मैचेस में अगर दोनों साइड दस ओवर करते हैं तब भी मिनिमम दस ओवर करते हैं तभी एक मैच काउंट किया जाएगा दस ओवर से पहले अगर मैच अबैंडन हो जाता है या फिर मैच खेल नहीं पाता किसी की रीजन से किसी भी रीजन से तो वो ऐसे मैच काउंट किया नहीं जाएगा ठीक है तो ग्रुप मैच में एटलीस्ट टेन ओवर पर सेट खेलना चाहिए सॉरी टेन ओवर नहीं एक्चुअली फाइव ओवर है ठीक है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है और ये टेन ओवर कब है ये सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स के लिए है सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स में मिनिमम टेन ओवर होना चाहिए मिनिमम ओवर्स कम से कम टेन ओवर होना चाहिए एक एक साइड का एंड ग्रुप मैचेस में केवल पाँच ओवर है ठीक है तो ये भी स्टेटमेंट गलत है फिर क्या है दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम डिसीजन रिव्यू सिस्टम विल बी यूज फॉर ए टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप देखिए वैसे डी आर एस सिस्टम आके काफी साल हो गया पर एक टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में पहली बार डी आर एस सिस्टम यूज में होगा तो दिस स्टेटमेंट इज राइट तो आंसर इज ऑप्शन सी थ्री ओनली देखिए आजकल यूपीएससी प्रीलिम्स में स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी इस तरह के रूल्स हैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स का यह सब क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विथ रेफरेंस टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए द आंसर इज ऑप्शन सी वन एंड थ्री ओनली देखिए इधर इंडियन सी ए जी एंड यू के सी ए जी का एक कंपेरिजन दिया हुआ है क्या लिखा है इन इंडिया सी एजी ऑडिट द अकाउंट्स आफ्टर द एक्सपेंडिचर इज कमिटेड देखिए हर्षिस जब आपको लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा था तब सी ए का फंक्शन रोल्स रेस्पॉसिबिलिटी क्या क्या आपको समझाया होगा आप देखिए इंडिया में जो सी ए जी ऑडिट होता है वो एक्सपेंडिचर कमिट होने के बाद ही होता है बेसिकली एक पोस्टमार्टम ऑडिटिंग होता है सब कुछ खत्म होने के बाद वो ये देखते हैं वो एक्सपेंडिचर ठीक से हुआ था या नहीं पर यूके में या फिर ब्रिटेन में ऐसा नहीं है उधर जो सी ए जी है उनका परमिशन चाहिए होता है कोई भी पैसे निकालने से पहले पब्लिक एक्सट्रक्कर से जब आप पैसे निकालोगे यूके में तो आपको सीएजी की परमिशन चाहिए पर इंडिया में ऐसा नहीं है दूसरा आर्टिकल के बारे में लिखा हुआ है ये आर्टिकल गलत है दोस्तों सी ए जी से रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से मैं आपको आगे बताऊंगा वेट कीजिए फिर क्या है इन इंडिया सी ए जी इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड वाइल इन ब्रिटेन सी ए जी इज ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द कॉमन्स ये सही है दोस्तों देखिए इंडिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट्स में और कोई पोजीशन नहीं आता है ओनली जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हम चुन के भेजते हैं या फिर जो राज्यसभा में जो मेंबर्स है और जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं वही मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है कोई भी पोजीशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है पर एक पोजिशन है इंडिया में अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स अटेंड कर सकता है ठीक है ये ध्यान दीजिएगा पर ब्रिटेन में कैसे ऐसा नहीं है ब्रिटेन की जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है वो उथर के हाउस ऑफ द कॉमंस का मेंबर है ये आप ध्यान दीजिएगा ठीक है आप देखिए आर्टिकल कौन कौन सा है आर्टिकल वन फोर्टी एट आर्टिकल 149, आर्टिकल 150 एंड आर्टिकल 151। तो so बेसिकली 148 से लेके 151 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अपॉइंटमेंट ओथ पावर्स ड्यूटीज ये सब के बारे में लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन फाइनल क्वेश्चन है विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए Now the answer is option C. एवरी ईयर एफ ए पब्लिश एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखिए ये जो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट है ना दोस्तों ये पब्लिश करता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है वैसे एफ आई का जो एनुअल रिपोर्ट है वो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट है ध्यान दीजिएगा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट ठीक है बाकी क्या इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल सही 1945 में स्टेब्लिश हुआ था इसके हेडक्वार्टर इटली के कैपिटल रोम में है फिर यूरोपियन यूनियन इज द ओनली मेंबर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एफएओ इसका मतलब क्या है देखिए एफएओ में काफी सारे मेंबर कंट्रीज है करीब 194 से ज्यादा मेंबर कंट्रीज है पर ऑर्गेनाइजेशन अगर देखा जाएगा तो केवल यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंबर है एफएओ का ठीक है और जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं या फिर ग्रुपिंग्स है वो सब ऐसे मेंबर नहीं है एफ में वैसे दोस्तों ये जो यूरोपियन यूनियन है ना काफी सारे इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स में मेंबर है जैसे आप जी ट्वेंटी देखोगे उसमें भी यूरोपियन यूनियन है है कि नहीं तो एफ में एक ही मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूरोपियन यूनियन तो ये भी स्टेटमेंट सही है सो आंसर इज ऑप्शन सी तो दोस्तों दैट एंड ऑफ इट आई होप आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा आप लोगों का करंट अफेयर्स रिविशन एंड थोड़ा बहुत एनालिसिस भी हुआ होगा लक्ष्य की पी डी एफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट के बिना मत जाइएगा दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा क्योंकि आप जितने कमेंट करते हो उतना यूट्यूब हमारे वीडियोज को रिकमेंड करेंगे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ जाएंगे So thank you for watching. Bye bye. Have a nice day.